हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए, एसएससी जीडी में एक गुड न्यूज आई है कि वैकेंसी बढ़ चुकी है। क्या हुआ? वैकेंसी बढ़ चुकी है, तो ये हम डिटेल में आपको बताते हैं कि वैकेंसी कैसे बढ़ी है। साथ ही साथ आपको देखिए, एग्जाम खत्म हो गया तो आंसर की का डेट बताएंगे और नॉर्मलाइजेशन का जो दो को मेथड होता है वो आज यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो पहले हम वैकेंसी जो गुड न्यूज है उसको बता देते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज कितनी हुई है। तो पहले जो वैकेंसी थी आपकी कितनी थी? 45,260। कितना? 45,260। तो जो वैकेंसी इंक्रीज हुई, ठीक है, कितनी वैकेंसी बढ़ी तो वो आपकी है 1175। कितना? 1175। इतनी वैकेंसी इंक्रीज हुई। तो देखिए, ये जो 1175 सीट देख रहे हैं ना, ये जो बढ़ा है, ये सभी स्टेट के लिए, जितने भी स्टेट, ऑल स्टेट जो ये है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि एक एक सीट आपको, तो मात्र एक सीट चाहिए। कितना सीट? आपको मात्र एक सीट चाहिए, एक सीट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वैकेंसी बहुत ही मायने रखती है। इस कारण से कट ऑफ, जैसे जहां जहां इस वैकेंसी को बांटा गया होगा, मान लीजिए कि हर स्टेट में तो नहीं बांटा गया होगा, जैसे कि 1175 सीट बढ़ा, ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम में बांटा गया। कहां पर? असम में, बिहार में, ठीक है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, अगर इतना जगह पर बांटा हुआ है, तो इस जगह के जो बच्चे, इतने सारे 1175 बच्चे को निकाल दिया जाता, तो 1175 बच्चे और ऐड हो गए। क्या हो गए? ऐड हो गए, उनको मौका मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर मान लीजिए कि 5 बच्चा बाहर जाने वाला रहता किसी कारणवश, क्योंकि सीट कम था, लेकिन ये सीट जो इसमें ऐड होगा तो 5 बच्चों की जिंदगी बना देगा, जिनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए, जब इसमें ये ऐड हो जाएगा 1175, तो आपका कितना हो जाएगा? 46,435, ठीक है, 46,435। तो अब आपका टोटल वैकेंसी एसएससी जीडी में इतना है। तो देखिए, आपको डरना नहीं है, मैंने स्टेट वाइज कटअप बताया, उसको जाके देखिए, समझिए, मैंने हर स्टेट का बता दिया है। कोई कोई स्टेट का अगर फाइनल कटअप बाकी होगा, कमेंट कीजिए, मैं जरूर 1 से 2 दिन में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का देखिए, दो मेथड होता है। फर्स्ट मेथड क्या होता है ना, आपका इजी शिफ्ट प्लस हार्ड शिफ्ट, ठीक है, यहाँ पर इजी प्लस हार्ड शिफ्ट। तो इस पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया, इजी प्लस हार्ड इतना मतलब नॉर्मल नहीं होता बताना, तो उस पर एक स्पेशल वीडियो नॉर्मलाइजेशन का मैंने बनाया। तो आप सीधा नॉर्मलाइजेशन यूट्यूब पर डालिएगा वैभव शासन, तो आपको मेरा नॉर्मलाइजेशन का वीडियो दिखाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक बता देते हैं कितना सही कितना गलत, उस पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, तो वो शॉर्ट में हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं। मान लीजिए कि दो बच्चे है, ठीक है, एक बच्चा कौन है? सूरज। कौन है? सूरज। और दूसरा बच्चा कौन है? नीरज। कौन है? नीरज। ये दो बच्चे हैं, सूरज और नीरज। तो नीरज ने एसएससी जीडी का एग्जाम कभी भी नहीं दिया, वो पहली बार देने जा रहा है। तो वो क्या करता है ना, कि 80 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन टिक कर देता है, जिसमें उसका 30 क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। वहीं पर सूरज क्या करता है, मात्र 40 क्वेश्चन टिक करता है, जितना उसको आता है सबका सब सही। कट ऑफ जो जाती है 120। कितना? 120। अब किसका होगा किसका नहीं होगा बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो सूरज है, सूरज को कितना मार्क्स मिल जाएगा? 80 मार्क्स। कितना? 80 मार्क्स। तो 80 में से वहां 30 गया, तो इसके 50 क्वेश्चन सही हुए। कितने? 50 क्वेश्चन। तो ये इसको मिलेगा कितना? 100 मार्क्स। कितना? 100 मार्क्स। लेकिन जो 30 क्वेश्चन गलत हुए थे, देखिए यहाँ पर इसके 30 क्वेश्चन गलत भी तो हुए हैं, ये 30 क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन के जो मार्क्स कटेंगे कितना? 15 मार्क्स। कितना? इसका 15 मार्क्स कटेगा। यहाँ पर जब 15 मार्क्स कट जाएगा, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? 85। कितना हो जाएगा? 85 मार्क्स। तो उसे आया 85 और इसे आया 80 मार्क्स। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन जुटेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना जुटता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन कभी भी फिक्स नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है। लेकिन हम जैसा बता रहे हैं कि इस केस में फिक्स रहता है, जैसे कि सूरज 80 मार्क्स लाया लेकिन 40 का 40 क्वेश्चन सही किया, इस कारण से इसका क्या होगा ना, कि इसको 120 मार्क्स तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना सोच रहे हैं कि आप, पहले तो 20 मार्क्स दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर कितना? 40 मार्क्स का अंतर है। कितना? 40 मार्क्स। कितना? 40 मार्क्स का अंतर है। तो 40 मार्क्स का ये अंतर कैसे आ गया? तो एसएससी का एक नियम है कि अगर आप जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लेकिन सब एक एक क्वेश्चन सही है, तो वो लोग क्या करते हैं ना, कि जैसे कि आपका अगर 100 भी कटअप गया रहता तो यहाँ 20 मार्क्स देते, 120 गया तो 40 मार्क्स, मतलब एक लिमिट तक वो पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में कभी भी आप इतना मार्क्स बढ़ते नहीं देखे होंगे, तो इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं नॉर्मलाइजेशन का। बात करें नीरज का, तो नीरज का यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन गलत हुआ था, इसके लिए इसका 5 मार्क्स क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? आपका 80 मार्क्स। तो इस तरह से ये पास कर जाता है और वह फेल कर जाता है। लेकिन नॉर्मली केस में, नॉर्मलाइजेशन में मान लीजिए कि इसका एक गलत हो जाता है, ठीक है, कि ये यहाँ पर कितना? 5 गलत हो जाता है, इसको कितना मिलता है? 35। कितना? 35 क्वेश्चन इसका सही होता। तो इस केस में इसका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं बढ़ता इतना, 40 की जगह कितना बढ़ता? मात्र इसका 10 मार्क्स बढ़ता। कितना मार्क्स? 10 मार्क्स बढ़ता। तो आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका मार्क्स बढ़ने की जगह बहुत कम बढ़ता है, मतलब कहाँ 40 बढ़ रहा था, कहाँ 10 या 5 बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको देखना है नॉर्मलाइजेशन का, तो आप यूट्यूब पर जाकर देखिए। आंसर की बात करें तो आपका आंसर की जो है, ये कब तक आएगा? आंसर की आपका फरवरी के लास्ट तक आएगा, फरवरी के लास्ट तक आंसर किया जाएगा। इसके अलावा भी अगर एसएससी जीडी को लेकर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।